लौंडे होगी लौंडी एक्साइटमेंट है अभी बंदा जाने वाला था इतने लोग मैं दिल्ली में छोड़ने के लिए गया था पता नहीं किसको डिलीवरी दे के आ गया फलक तक चल। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप लोग आप सभी फिर मेरा नया ब्लॉग में स्वागत है गाइज एक्चुअली ना अभी मैं छत में आया हूँ मैंने सोचा कि चलो आज छत से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आप लोग के लिए और थोड़ा सा यहाँ से सीन नज़ारा भी अच्छा आता है यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा देखा कि ड्यूटी जाऊँगा बोल के सोचा था और ये नज़ारा चेक करे गाइज और गाइज बिना भूले ना गाइज बिना स्किप करके वीडियो देखना ठीक है और जितना भी सोशल मीडिया सब जगह शेयर कर देना मेरा ये वीडियो और गाइज यहाँ छत से ना कुछ ये प्रकार का व्यू देखता है इसलिए ना मैं इधर आया था आप लोग को लिए व्यूज दिखाने के लिए और इधर छत के ऊपर और आफ्टर ये व्यू के ऊपर मैं जा रहा हूँ नीचे ड्यूटी भी अभी गाइज ड्यूटी का भी टाइम हो गया 10:04 हो गया 4 लेट भी हो गया है गाइज और ये सीन चेक कर सकते हो क्या है यहाँ ऊपर का सीन और गाइज एक्चुअली अभी टाइम जा रहा है अभी मैं ड्यूटी जाता हूँ ठीक है और गाइज बिना स्क्रिप करे वीडियो देखना ठीक है मिलते हैं सीधा नीचे रोड में गाइज और ये सिनेमा चेक करिए चलो गाइज फटाक से चलते नीचे ड्यूटी भी जाना है पड़ा है और गाइज बिना स्क्रिप्ट करे वीडियो देखना ठीक है और जितना भी सोशल मीडिया सब जगह शेयर कर दो मेरा लिंक अभी मैं छप पे गया था गाइज अभी नीचे जाऊंगा गाइज नीचे आ चुका हूँ मैं अभी चलते हैं सीधा यहाँ से रोड से कुछ इस प्रकार का है गाइज रास्ता कुछ इस प्रकार से है अभी जाएंगे सीधा यहाँ से ड्यूटी जाएंगे गाइज ऐसे ना हम लोग का रूम भी ना ऐसे ऊपर है जो ये देख सकते हो गाइज क्या ही बताओ इतना हेवन प्लेस है ना गाइज एकदम मन से दिल से खुला लगता है और चलते फटाक से चलते कैफे में ठीक है चलते इधर अंदर और ये जिस प्रकार का है कैफे ये चेक कर सकते हो गाइज अभी सीधा जाएंगे अंदर। गुड मॉर्निंग चाचा जी क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग फिर नया ब्लॉग में और ये गाइज अभी इधर ना मूवी देख रहे हैं चाचा जी क्योंकि चाचा जी का सुबह ड्यूटी है। चाचा जी सुबह आते हैं ना 8:30 आते हैं हम लोग तो अभी 10 का ड्यूटी है हम लोग का एक्चुअली और चाचा जी इधर पहले ही आके काम ख़त्म करके इधर टीवी देखने लग जाते हैं। और ये चेक करिएगा ये तो कॉल वाले वीडियो में भी दिखाया था आप सभी लोग को। अभी सीधा जाएंगे अंदर किचन में अभी गाइज किचन में जाके ना मेरे को भी थोड़ा सा साफ वाफ करना है किचन सिचन साफ साफ करके अभी गाइज लाइट भी जलाया नहीं इधर का ऐसे ही पड़ा है इधर का लाइट भी नहीं जलाया अभी मैं जाके जलाऊंगा जब तक देखते रहना मेरा वीडियो ठीक है सीधा मिलते हैं बीच में सब स्टाफ आके ठीक है। सो है गाइस अभी ना अभी आया था सचिन भाई आ चुका है ये सचिन भाई चेक करो काउंटर साफ कर रहे सचिन भाई और मैंने इधर सब साफ कर दिया किचन सिचन सब साफ कर दिया और चाचा जी और बार वो काम कर रहे और मैंने इधर सब कर दिया कॉफ़ी भी बना के पी लिया मैंने गाइस अभी ये सचिन भाई को कॉफ़ी पिलाना है सचिन भाई कॉफ़ी पियोगे ना सब पिलाएंगे भाई को। और चाचा जी क्या हाल है बताओ कुछ हाँ और गाइज ऐसे ही दिन कट रहेंगे ठीक है गाइज आज का ब्लॉग भी बिना भूले देखना बिना स्क्रिप्ट करके देखना ठीक है आज भी देखते हैं शाम तक क्या होगा क्या हालचाल होगा और ऐसे ही नया नया वीडियो लेके मैं आऊँगा आप सभी लोग के साथ ठीक है जब तक बनते रहना मेरे वीडियो में। हेलो गाइज जस्ट राइट नाउ ना गाइज एक्चुअली बर्गर का ऑर्डर आया है ये बर्गर चेक कर सकते हो ये बर्गर ऑर्डर है अभी लौंडे लोग का और ये लौंडे लोग जा रहे हैं बाहर ठीक है अभी ये बर्गर का ऑर्डर है ये बर्गर मेरे को देखने के लिए बोला इधर थोड़ा ऑर्डर देखते हैं उसके बाद मिलते हैं ठीक है। चलो गाइज अभी बर्गर निकलने का टाइम है ये देख सकते हो ये बर्गर आ गया है ठीक है चलो
इधर भाई ने मेरे को भी कॉफी बना दी और भाई के लिए भी बनाए और मेरे लिए इधर रखा है। और इधर सचिन, इधर देख सकते हो सचिन भाई इधर कुछ काम नहीं है, ऐसे ही बैठा है। अभी गाइस एक्चुअली अभी जस्ट राइट ना हम लोग ने काम खत्म बैठा है और लौंडे इधर हंस रहे, पता नहीं क्यों हंस रहे। और सचिन भाई क्या बोलना चाहते हो? आज बहुत ही एक्साइटमेंट है, आज बंदा जाने वाला था, बच गया थोड़ा थोड़ा। एक्सीडेंट में थोड़ा बच गया। ये पता नहीं लौंडे लोग ने डिलीवरी छोड़ने के लिए गया था, पता नहीं किसको डिलीवरी दे के आ गया हॉस्पिटल में, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं क्या करते हैं। और ये लौंडे इधर कॉफी बना रहे। चलो गाइज कॉफी पीते हैं। आज के शाम हाउस ऑफ कैफे के नाम मस्त है, लौंडे ने अच्छा बनाया है। याद करो मारो कभी कभी बावलारी। लौंडे तुम लौंडे हो, लौंडिया भाई, लौंडे लंडे तेरे। एक्चुअली ना मैं इधर थोड़ा सा बाहर आया था, अंदर बैठ बैठ के बोरिंग हो गया था। और ये रात का सीन चेक कर सकते हो गाइस माउंटेन्स का। और ये आगे कैफे देख सकते हो, मैं अभी यही कैफे में हूँ। रात को हमारा कैफे कैसे चमकता है ये चेक कर सकते हो। रात को हमारा कैफे कैसे चमकता है ये देख सकते हो। ये सीन सुबह कैसे अभी ना एक्चुअली हम लोग यहाँ भाई को छोड़ने के लिए आया था। भाई इधर देखो, हाँ भाई को इधर छोड़ने के लिए आया था। और गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ से सीन भी दिखाना था, यहाँ ये और ये सिनेमा चेक करिएगा। और गाइस एक्चुअली ना ये ना कुल्लू एडी के कुल्लू में अभी रात को ना भाई को छोड़ने के लिए आया था। भाई का स्कूटी में छोड़ने के लिए आया था, प्लस गाइस आज स्कूटी नहीं था ना, इसलिए हम लोग ऐसे ही पैदल पैदल भाई को छोड़ने के लिए आया था। और गाइस ये सिनेमा चेक करिए। और ये आ गया सचिन लौंडा घूम रहे हो अकेला। गाइज अगर इसको कोई पहचानता है तो लेने के लिए आओ, इधर इधर ये गुम हो गया है ये लौंडा। लौंडा कहाँ से हो आप? और गाइज इधर का व्यू चेक करिए मेरे बाप, देख ये होता है ना सिनेमा में। अभी गाइज हम लोग थोड़ा ऐसे 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 घुमाए, ठीक है अंदर। मुझे पहाड़ का यही सीन बहुत अच्छा लगता है गाइस, मुझे ना रात में पहाड़ वगैरह में चलने के लिए यही सीन देखने के लिए ना बहुत अच्छा लगता है। और क्या करेगा यही है जब तक बनते रहे ना। और ये देख सकते हैं ये ना कुल्लू का बस स्टैंड है गाइस, कुल्लू का बस स्टैंड। और गाइस भाई बोल रहे हैं ना इधर थोड़ा भूत वगैरह मिलता है, मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है गाइस अभी आते वक्त आपको भूत से भी मिलाऊंगा, ठीक है भूत से मिलना आज आप सब लोग। तो अभी गाइज वो भाई को हम लोग ने छोड़ दिया और मैं और सचिन निकल रहे रूम के तरफ। और गाइज ये ना इधर ये चेक करी, क्या बोलते हैं भाई इसको, देव सदन है गाइज, देव सदन ना गाइज, ये ना देव सदन होता है जो कुल्लू का। इधर ही फंक्शन वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह ये ग्राउंड में होता है, जो ये बीच में ग्राउंड देख रहे हो ना गाइज, ये ग्राउंड में दशहरा वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। अभी जाएंगे सीधा रूम, भाई को भी हम लोग ने बोल दिया टाटा बाय बाय, अब हम लोग जा रहे रूम। ठीक है रथ ग्राउंड गाइज, एक्चुअली इसको बोलते हैं रथ ग्राउंड। और गाइज ये सीन देखो ना गाइज, ये सीन ना मुझे माउंटेन्स एरिया का बहुत अच्छा लगता है ये सीन। चलो गाइज जब तक रूम पहुँचते ठीक है सीधा मिलेंगे रूम में। और गाइज अभी हम लोग आधी रास्ते तक पहुँच चुके। और गाइज इधर ना मेन रोड वगैरह में ना ऐसा सीट वगैरह लगा देता है, आप सभी लोग को मैं दिखाऊंगा ठीक है। ये सीट ना इधर सीट लगे रहा, ये देखो गाइज कुल्लू में ना ये सब होता है। अब जो भी
राइडर्स वगैरह इधर ज़्यादा राइडर्स आते हैं ना, और इधर ना ऐसे आराम कर सकते हैं। ये जगह में ये चेक करिए, सचिन भाई इधर बैठा है। और गाइज यहाँ बैठ बैठ के ना ये ऊपर वाला नज़ारा सीन देखने के लिए बहुत एकदम फील होता है, अच्छा वाला फील। अभी हम लोग जा रहे, अभी तो हम लोग रूम में जाएंगे, इधर बैठेंगे ना, और सचिन भाई भी है इधर। और गाइज ऐसे ही बैठते बैठते चलो टाटा भाई। और ये सीन देख के ना भाई, कोई भी ना इधर ये सीन देख के बैठने के लिए ना अलग ही मज़ा आता है, इसलिए मुझे भी अलग ही लेवल नेक्स्ट लेवल फील आता है गाइज। ये एक्चुअली ना गाइज ये सब ना राइडर्स और सीटर्स के लिए बैठा है, जो रात में थक जाता है राइड कर कर के ना, इधर आके बैठते हैं कितने इंसान लोग। और ये साइड में भी है, ये पल्ली तरफ में ग्राउंड और ये पल्ली तरफ में ग्राउंड है, इधर लेफ्ट भी ग्राउंड राइट में भी ग्राउंड है, ठीक है। अभी जाते हैं सीधा, ठीक है। फाइनली गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अभी मैं ब्रांड पहुंच के रूम पे चेक करने फ्रेश हो चुका हूं, और सचिन ने अपने रूम पहुंच गए, अपने बिस्तर में घुस गए, मैं अभी हो गया फ्रेश, अभी मैं भी सोता हूं, ठीक है गाइस। देखो गाइस तक था वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जितना भी सोशल मीडिया सब जगह शेयर कर दो मेरा लिंक, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।